तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द डिटेक्टर। ये कहानी एक पागल अय्यासन की राजा जिसका नाम है अलादीन। इसकी हरकतें आपको जरूर जाननी चाहिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं अलादीन का जब जन्म होता है। ये वो दौर होता है जब अलादीन के जन्म के साथ ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और उसके पिता ने शुरू से ही उसे अय्यास बनाने के लिए ठान लिया था। अलादीन बचपन से ही बिगड़ना चालू हो गया था और जब अलादीन 7 साल का होता है तो उसके पिता को भी मार दिया जाता है, जिसके बाद 7 साल की उम्र में ही अलादीन को गद्दी सौंप दी जाती है अपने पिता की और अलादीन वहाँ का राजा बन जाता है। और अलादीन एक पागल और सनकी आदमी होता है। वो अजीब अजीब हरकतें करता है। वो अपने देश में ही ओलंपिक कराता है और उसमें खुद ही भाग लेता है। अगर उससे कोई आगे जाने की कोशिश करता है तो वो उसमें गोली मार देता है और उस ओलंपिक में उसने 14 गोल्ड मेडल जीते होते हैं। ये तो बस शुरुआत है, अभी अलादीन की और भी हरकतें बाकी हैं। अलादीन लोगों के सामने आता है और उनको बताता है वो जल्दी ही न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे और वो न्यूक्लियर हथियार खाली शांति बनाए रखने के लिए बनाए जाएंगे। और ये कहते ही अलादीन हंसने लगता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन उसी रिसर्च सेंटर में पहुंचता है जहां उसका परमाणु हथियार बन रहा होता है। जब उसे उसका परमाणु बम दिखाया जाता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा होने लगता है। वो कहता है ये तुमने क्या बनाया है, इसे देखकर लोग मुझ पे हंसेंगे। इस रिसर्च सेंटर का हेड नदाल कहां पर है, जिससे वो लोग बताते हैं क्या आपको याद नहीं, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और हम देख पाते हैं जब 2 साल पहले अलादीन यहाँ पर आया था तो वो नदाल से मिला होता है और नदाल उसे अपनी मिसाइल का शेप दिखाता है, जिससे अलादीन उससे कहता है कि ये ऊपर से न्यूक्लियर होनी चाहिए, जिससे नदाल कहता है आप जरूर कार्टून देखते हैं और आपको मिसाइल की जानकारी कार्टून से मिली है, मिसाइल के ऊपर के हिस्से से कोई भी लेना देना नहीं है। जिससे अलादीन अपनी बात बड़ी करते हुए कहता है कि नहीं, मिसाइल ऊपर से न्यूक्लियर होनी चाहिए जिससे दुश्मनों में खौफ पैदा हो। नदाल अलादीन से फिर कहता है कि आपको मिसाइल की जानकारी कार्टून से मिल रही है, जिस वजह से अलादीन उसे मरवाने का इशारा करता है और वो लोग उसे उठा के ले जाते हैं। जिसके बाद कहानी दोबारा वहीं आती है और वो लोग बोलते हैं कि आपको याद नहीं, और अलादीन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अलादीन उस साइंटिस्ट को भी मरवाने का इशारा करता है। जिसके बाद अलादीन अपने तामीर चाचा के साथ बाहर आता है और उसके चाचा उसे बताते हैं कि अगर हम दूसरे देशों को बता देते हैं कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो हम अपना तेल उन लोगों को आसानी से बेच सकेंगे। जिससे अलादीन उनसे कहता है कि मेरे पिता ने मुझसे मरते वक्त वादा लिया था कि कभी भी मैं वादिया का तेल किसी भी बाहर दूसरे देश में नहीं बेचूंगा और इसीलिए मुझे 7 साल की उम्र में राजा बना दिया गया, बल्कि आप इस गद्दी के हकदार थे लेकिन आपको नहीं बनाया गया। जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन अपने महल आ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है तो एक आदमी अलादीन में गोली मार देता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं वो अलादीन नहीं, अलादीन का हमशक्ल था जिस आदमी में गोली लगी होती है। और अलादीन उस लाश से बातें कर रहा होता है लेकिन वो लाश कोई भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद वो उस लाश को भी मरवाने का इशारा करता है और उसके चाचा ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अलादीन के जाने के बाद वो किसी को कॉल करते हैं और बताते हैं हमने गलत आदमी में गोली मारी है, असली अलादीन अभी भी जिंदा है, हमें जल्दी से अलादीन का दूसरा हमशक्ल ढूंढना होगा। जिससे हमें पता चलता है उसके तामीर चाचा ही उसे मरवाना चाहते हैं जिससे वो उसकी गद्दी हथिया सके। जल्द ही वो लोग अलादीन का दूसरा हमशक्ल ढूंढ लेते हैं। वो एक बकरी चराने वाला होता है और उसे पकड़कर वो अलादीन के पास लाते हैं और वो अलादीन से भी ज्यादा बेवकूफ होता है, लेकिन अलादीन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जिससे उसके चाचा को समझाते हैं इसका काम खाली सर पर गोली खाना होगा, जो पिछले वाले का काम था, और अलादीन उसे जल्दी तैयार करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन अपने रूम में होता है, वो एक हॉलीवुड एक्टर के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अलादीन इंटीमेट होने के बाद उसे उसका इनाम दे देता है और उसके साथ एक फोटो खींचता है और उस फोटो को वो उसी जगह पर लगा देता है जहां उसने बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के साथ फोटो खींच के लगा रखी होती है। अलादीन इन सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रखा होता है। अलादीन बेहद सनकी और अय्यास राजा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं सुबह का सीन, अलादीन गेम खेल रहा होता है, तभी उसके चाचा आते हैं और उसे बताते हैं हमें जल्दी अमेरिका जाना होगा, अगर हम नहीं जाते हैं वहाँ पर तो वो लोग हमारे देश पे आ जाएंगे और यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। जिससे अलादीन एक मीटिंग रखता है और अलादीन बोलता है अब हम जाएंगे अमेरिका, और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अलादीन जब अमेरिका पहुँचता है। अलादीन की सेफ्टी काफी ज्यादा रखी गई होती है वहाँ पर और अलादीन को कोई भी पसंद नहीं करता है। अलादीन के खिलाफ सब नारे लगा रहे होते हैं इसे यहाँ से भगाओ मारकर, और अलादीन से सब लोग कह रहे होते हैं वादिया को आजाद करो, लेकिन अलादीन समझता है कि वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो लोग उसके फैन है, इसलिए अलादीन हवा में हाथ लहरा रहा होता है। अलादीन को जल्दी से अपने रूम में ले जाया जाता है और अलादीन अपने रूम में आराम फरमा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक परछाई आती है और वो परछाई उस पर वार करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं उस आदमी ने अलादीन को कैद कर लिया और वो अलादीन को मारने के लिए अलग अलग हथियार दिखाता है, लेकिन अलादीन उसके सारे टॉर्चर करने वाले हथियारों का मजाक बनाने लगता है। जिसके बाद वो उसकी दाढ़ी काट देता है और उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है, और इसी दौरान उसमें भी आग लग जाती है और अलादीन छूट जाता है वहां से। अलादीन वहां से फौरन भाग जाता है और वो आदमी वहीं पर ही जल जाता है। जिसके बाद
बाद अलादीन बाहर आता है। अलादीन एक फकीर चंद लग रहा था। अलादीन को बिना डाड़ी के कोई पहचाने का भी नहीं। अलादीन एक भिखारी से कपड़े मांगता है और पहुंचता है अपने होटल की तरफ जहां पर उसे भाषण देना है। और अलादीन अपने चाचा को देखता है जो उसी के हमशक्ल के साथ बैठे होते हैं। और अलादीन फौरन समझ जाता है ये साजिश उसके चाचा ने ही रची है ताकि वो गद्दी हथिया सके। अलादीन वहां पर खूब चिल्लाता है और वहां पर एक जोई नाम की लड़की भी होती है जो अलादीन को ऐसे चिल्लाते हुए देख काफी ज्यादा खुश होती है और वो भी अलादीन के साथ चिल्लाने लगती है। अलादीन का हमशक्ल अलादीन से भी ज्यादा बेवकूफ होता है। वो भाषण देने के लिए वहां पर आता है। जल्दी ही वो वादिया को आजाद कर देगा पूरी तरह से और वादिया में फिर से इलेक्शन होंगे। और जब अलादीन का हमशक्ल ये बात सबसे कहता है तो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अलादीन भी काफी ज्यादा दुखी रहता है और अलादीन भाषण देने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पानी से अलग हटा देते हैं, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच जाती है और वहां पर जोई नाम की लड़की अपने साथ अलादीन को बिठा के ले जाती है। और वहीं अलादीन के चाचा उस हमशक्ल की वजह से उसकी गद्दी हथिया लेंगे और वादिया का सारा ऑयल बेच के एक बेहद अमीर इंसान बन जाएंगे। वो लोग अलादीन के हमशक्ल के पास लड़कियां भेजते हैं, लेकिन उस बेवकूफ को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसीलिए वो लड़कियां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। लेकिन अलादीन का हमशक्ल वहां पर एक लड़की के लात मारता है, जिस वजह से वो लड़की दूर जाकर गिरती है। अलादीन के चाचा समझ जाते हैं ये अलादीन से भी ज्यादा बेवकूफ है, जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन को। अलादीन जोई के साथ होता है और जोई अपने स्कूटर पर बिठा के उसे अपनी शॉप पर लेके आती है और उसे अपने साथ काम करने को कहती है। वो बोलती है और यहाँ पर सभी लोग अलादीन के खिलाफ है, लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अलादीन सबका मजाक बनाने लगता है, जिसके बाद और जोई उसे शांत कराने लगती है, लेकिन अलादीन देखता है कि उसकी बगलों में बाल हैं, जिससे अलादीन कहता है जरूर ये काला आदमी इन्हीं जंगलों से आया है। और वो जोई का मजाक बनाने लगता है और जोई से कहता है वो तुम्हारे पास काम नहीं करेगा, और वो वहां से निकल जाता है। अलादीन बिल्कुल एक अनजान आदमी की तरह घूम रहा होता है, उसको इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अलादीन एक ऐसी दुनिया में आ चुका था। अलादीन बचपन से ही अय्याश वाली जिंदगी जीती, लेकिन अलादीन अब एक भिखारी जैसा बन चुका था और उसकी दाढ़ी के बिना उसे कोई पहचाने का भी नहीं। अलादीन सड़कों पे ऐसे ही भटक रहा होता है, तभी उसे वहां पर अपना साइंटिस्ट नदाल दिखता है जो उसने मरवा दिया था, और अलादीन उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अलादीन उसका पीछा करता है और वो एक रेस्टोरेंट में चले जाता है। वहां पर सभी लोग अलादीन के खिलाफ होते हैं और अलादीन को मारना चाहते हैं। अलादीन जब वहां पर पहुंचता है तो अलादीन अपना एक झूठा नाम बताता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं अलादीन ने सबको मरवाने के लिए कहा होता है, लेकिन सारे लोग जिंदा होते हैं, जिससे अलादीन काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन वहां पर एक आदमी अलादीन की हरकतें देखकर वो समझ जाता है और वो सबसे कहता है ये अलादीन है, इसने अपनी शाही दाढ़ी कटवा दिया, और सब लोग उसे मारने के लिए आगे आते हैं। लेकिन तभी वहां पर नदाल आ जाता है और उनसे कहता है ये मेरा कजन है, थोड़ा बेवकूफ है। लेकिन जिसके बाद सब लोग वहां से अलग हट जाते हैं और नदाल उससे कहता है आपने अपनी शाही दाढ़ी क्यों कटवा दी, जिससे अलादीन उसे सारी बात बताता है कैसे उसके चाचा उसकी गद्दी हथियाना चाहते हैं। अलादीन उससे कहता है कि उसे उसकी गद्दी वापस लेने में मदद करनी होगी, जिससे नदाल उससे कहता है कि तुम्हारी मदद एक ही शर्त पे करूंगा, अगर तुम अपनी गद्दी पाने के बाद मेरी जॉब मुझे वापस करो और न्यूक्लियर हथियार का दोबारा से मुझे हेड बना दो। और अलादीन उससे कहता है ठीक है, लेकिन नदाल उससे ये भी कहता है कि मिसाइल ऊपर से गोली होगी ना कि नुकीली, जिससे अलादीन उसकी वो बात भी मान लेता है। नदाल और अलादीन दोनों उसी होटल की तरफ पहुंचते हैं जहां अलादीन को भाषण देना था लोगों को। वो लोग वहां पर घुसने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी अलादीन की नजर उसी जोई नाम की लड़की पर पड़ती है और अलादीन उससे छुपने लगता है, जिससे नदाल उसे बताता है अगर तुम उसे जानते हो तो तुम्हारे लिए अंदर घुसना काफी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उस पर अंदर घुसने का एंट्री कार्ड है। और वहीं पर अलादीन के चाचा आते हैं और सबको बताते हैं कि जल्दी ही वादिया एक आजाद देश बन जाएगा। वो बताते हैं अगले कुछ दिनों में एक पेपर साइन होगा, जिसके बाद वादिया में फिर से इलेक्शन होने चालू हो जाएंगे और वादिया एक आजाद देश बन जाएगा। अलादीन वहां पर अकेले ही राजा बना रहना चाहता है, इसीलिए अलादीन काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन जोई के पास दोबारा से आता है और अलादीन जोई से माफी मांगता है और उसके साथ काम करने के लिए कहता है, जिससे जोई उसे अपने साथ काम पर रख लेती है और अलादीन वहां काम करने लगता है। लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो कहीं भी कचरा फेंकता है और ग्राहकों से बदतमीजी करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं नदाल एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता है और अलादीन से कहता है कि इस हेलीकॉप्टर की मदद से इस जगह को हम अच्छे से जानेंगे और हम खाली यहाँ पर एक टूरिस्ट बन के जाएंगे। वो हेलीकॉप्टर में अमेरिका घूम रहे होते हैं, लेकिन तभी अलादीन अपनी हरकतें करने लग जाता है और अलादीन ने एक ऐसी जैकेट पहनी होती है जो एक बम की तरह लग रही थी, और वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अलादीन को पुलिस पकड़ लेती है। वहां पर जोई आती है अलादीन को छुड़ाने के लिए और जोई उन पुलिस वालों को काफी ज्यादा सुनाती है, क्योंकि अलादीन को उन्होंने बेफालतू में गिरफ्तार करा होता है। वो लोग अलादीन की जैकेट को एक बॉम्ब समझ रहे थे, और जब अलादीन देखता है जोई उसके लिए पुलिस वाले से लड़ रही है तो, और ये वही वक्त होता है जब अलादीन को पहली बार किसी लड़की से प्यार होने लगता है। अलादीन को जोई काफी ज्यादा अच्छी लगती है ऐसे लड़ते हुए, जिसके बाद जोई पुलिस वाले को सुना के वहां से बाहर आ जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन को नदाल बताता है उसने नकली दाढ़ी का इंतजाम कर लिया है, जिससे अलादीन कहता है वो नकली दाढ़ी नहीं पहनेगा, वो असली ही दाढ़ी पहनेगा। जिसके बाद वो लोग एक आदमी की मैयत में चले जाते हैं और वो लोग वहां पहुंच के उस आदमी की दाढ़ी काटने लगते हैं, लेकिन वहां पर लोगों को पता चल जाता है और वो गेट खोलने के लिए कहते हैं, इसीलिए वो जल्दबाजी में
हैं, उस आदमी का पूरा गला ही काट लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं उसका गला काट कर। और ये देखकर वहां पर लोग उनका पीछा करने जाते हैं, लेकिन वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन अपने स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी वहां पर एक लेडी को पेन होने लगता है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है और वो लोग डॉक्टर बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन अलादीन उनसे कहता है ये वो बड़ी आसानी से कर सकता है, वो बचपन से ही इसी चीज में रहा है। और अलादीन उसकी डिलीवरी कराने लगता है और वो लेडी एक लड़की को जन्म देती है, जिससे अलादीन कहता है इसे कचरे में फेंक दो ये लड़की है, जिससे उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमें लड़की ही चाहिए। अब जोई भी अलादीन को पसंद करने लग गई है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अलादीन और जोई एक साथ होते हैं, वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। और जोई उसे बताती है कि वो उसे शुरू से ही पसंद करती थी, इसीलिए उसने उसे काम पर रखा। और अलादीन भी उसे अपना सच बता देता है, वो उससे कहता है वो कोई आम इंसान नहीं, वो वादिया का राजा अलादीन है। और वो अपनी नकली दाढ़ी को लगा लेता है जो उसने उसी सर पे से काटी होती है, जो सर उन लोगों ने काटा था। और अलादीन को जोई देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अलादीन पे गुस्सा करने जाती है और अलादीन से कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने झूठ बोला है मुझे और तुम अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ। अलादीन दुखी होके वहाँ से आ जाता है और अलादीन देखता है वहाँ पर वादिया के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब वादिया फिर से एक आजाद देश बन जाएगा और वहाँ पर इलेक्शन दोबारा से होंगे। अलादीन ये देखता है तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अलादीन बोलता है उससे कोई भी प्यार नहीं करता, जिस वजह से अलादीन मरने के लिए एक पुल से कूदने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर नदाल आता है और नदाल उसे रोक लेता है। नदाल उसे बताता है तुम वादिया की बेस्ट राजा हो और नदाल उससे कहता है मैं तुम्हारी इसीलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वादिया के राजा हमेशा ही बने रहो, तुम एक बेस्ट राजा हो। और अलादीन ये सुनकर ऊपर आ जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अगला दिन अलादीन अब पूरी तरह से तैयार होता है अपने महल में जाने के लिए। अलादीन ने वो नकली दाढ़ी भी लगा ली होती है जो उस सर में से काटी होती है और नदाल जो अलादीन ने कमरा लिया होता है उस होटल में, वो अलादीन के कमरे में एक रस्सी फेंकता है और वो रस्सी अटक जाती है और अलादीन से कहता है तुम इस रस्सी की मदद से अपने कमरे में जाओ और उस हम शकल की जगह लो और दोबारा से उस भाषण को रद्द कर दो। अलादीन जैसी रस्सी से अंदर जाता है लेकिन अलादीन अटक जाता है। अलादीन बड़ी कोशिश के बाद अपने कमरे में आखिर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपने हमशकल से मिलता है और उसे वो वहां से भगा देता है। तभी वहां पर उसके चाचा आ जाते हैं और उसे भाषण देने के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं। अलादीन जैसी भाषण देने के लिए सबके सामने आता है, जिस पेपर पे अलादीन को साइन करना था जिससे वादिया पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और वादिया में फिर से इलेक्शन होने चालू हो जाएंगे, उसी पेपर को अलादीन उठाकर फाड़ देता है और वहां खड़े गार्ड से कहता है मेरे चाचा नदाल को गिरफ्तार कर लो, इसने मुझे मारने की कोशिश करी और मेरी शाही दाढ़ी जला दी। अलादीन सबसे कहता है कि वादिया एक गुलाम देश ही रहेगा और वो उसके अंडर में ही रहेगा, वहां पर कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। और वहां पर जोई भी आ जाती है और जोई ये देखकर रोने लगती है, जिसके बाद अलादीन अपना भाषण बदल देता है जोई को देखकर और जोई को वहीं पर सबके सामने आई लव यू कहता है और सबसे कहता है वादिया में फिर से इलेक्शन होंगे और लोगों को अपनी पसंद का प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलेगा। और अलादीन उस पेपर को साइन कर देता है और वहीं पर इस सबके सामने वो जोई से शादी करने के लिए कहता है और जोई भी शादी करने के लिए मान जाती है उससे। लेकिन उसके चाचा नदाल को देखकर ये काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अलादीन के ऊपर गोली चलाते हैं लेकिन वहां पर अलादीन का हमशकल आ जाता है और वो गोली अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन उसकी जान नहीं गई होती है, गोली उसे छू कर निकल गई होती है और अलादीन अपने चाचा को गिरफ्तार करा देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अलादीन दोबारा से वादिया लौट जाता है और वहां पर फिर से इलेक्शन होते हैं, लेकिन अलादीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वो वहां पर लोगों को डरा धमका के अपनी तरफ कर लेता है और अलादीन को सारी बोर्डें मिल जाती हैं। जिसके बाद अलादीन वहां का राजा के साथ साथ पीएम भी बन चुका था, अलादीन अब पूरे देश को कंट्रोल कर सकता था आसानी से। जिसके बाद अलादीन जोई से शादी कर लेता है। अब नदाल अलादीन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और नदाल फिर से अलादीन के लिए काम करने लगा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जोई और अलादीन एक साथ होते हैं और जोई सबको बताती है वो अभी छुट्टी पर है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, जिससे अलादीन कहता है अगर लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन होगा। अलादीन अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आया और अलादीन अपनी नई नई हरकतें करता ही रहता है और अलादीन की ये हरकतें बंद नहीं होती हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम है द डिक्टेटर, मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।